वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर के निर्देश में पुलिस अधीक्षक यातायात श्यामदेव बिंद के नेतृत्व में यातायात पुलिस द्वारा शहर के अंदर बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ई रिक्शा चलाने वाले चालकों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान के दौरान कुल 17 ई रिक्शा चालक बिना ड्राइविंग लाइसेंस के पाए गए, जिनके विरुद्ध परिवहन अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की गई। इस अवसर पर यातायात निरीक्षक अजीत कुमार पांडे सहित अन्य यातायात पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक श्यामदेव बिंद ने कहा, गोरखपुर महानगर में सुरक्षित व सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए यातायात पुलिस लगातार जो है अभियान चला रही है, लगातार अतिक्रमण हटवा रही है, लगातार जो बिना डीएल के चल रहे हैं या नाबालिग द्वारा ऑटो रिक्शा चलाया जा रहा है उनकी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभी 1 तारीख को ये अभियान शुरू किया गया था, तो 1 तारीख को 90 ई रिक्शा चालक जो है कि बिना डीएल के पाए गए थे, जिनके खिलाफ़ जो है परिवहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी। इसी तरह कल 2 तारीख को भी अभियान चलाया गया था, तो उसमें जो है कि 17 ई रिक्शा चालक बिना डीएल के पाए गए थे, उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई की गई थी। ये अभियान आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा और लोगों से लगातार यातायात पुलिस से अपील भी करती है कि आप बिना डीएल के ना चलाएं, नाबालिग को ई रिक्शा चलाने के लिए ना दें या कोई भी वाहन नाबालिग ना चलाएं, बिना डीएल के लोग ना चलाएं, वैध कागजात लेकर ही चलाएं, जिससे आपका भी जीवन सुरक्षित रहेगा और आम नागरिकों का जीवन भी सुरक्षित रहेगा। सर, अभियान के अलावा जो यातायात पुलिसकर्मी मुख्य चौराहों पर लगे हुए हैं, वो लोग भी इन सब चीज़ों की चेकिंग करते हैं? ये पूरे शहर में जितने ट्रैफिक के कर्मचारी लगे हुए हैं सबको निर्देश है, सबके द्वारा भी ये चेकिंग की जा रही है और जो नियमानुसार नहीं पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ उनके द्वारा भी चालान की कार्रवाई की जा रही है।